डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है कैडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था आज उनकी चार सौ इक्यासीवीं जयंती मनाई जा रही है और इस इसर, इस अवसर पर महाविद्यालय में आज उपस्थित कुछ व्यक्तियों ने माल्यार्पण किया और महाराणा प्रताप अमर रहे महाराणा प्रताप की जो जीवन गाथा है उनसे हम सभी को प्रेरणा ले लेनी चाहिए और सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है उसी के अनुरूप हमें भी आज सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में कार्य करना चाहिए और उनके जीवन के जो आदर्श रहे हैं उन आदर्शों को अपनाना चाहिए जो है पूरे विश्व में कोरोना वायरस का जो है संक्रमण फैल रहा है सब लोगों में मानव मात्र में भयव्याप्त है उसी जो कोरोना वायरस ने देश को भारत को भी घेर रखा है और ऐसे में सब लोगों के सामने लॉकडाउन के अंदर खाने की भी समस्या है महाराणा प्रताप का अगर जीवन देखा जाए तो उन्होंने जो योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ी थी हमारे लिए गर्व की बात है महाराणा प्रताप की हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है उन्होंने घास तक की रोटियाँ खाई तो वर्तमान कोरोना से लड़ने के लिए हम सबको यह आज सीखना चाहिए महाराणा प्रताप की जीवनी से कि कैसे भी समय निकालें पर इस संक्रमण की बीमारी से देश को मुक्त होने में एक दूसरे का सहयोग करें सरकार का सहयोग करें और जो हमारे देश के लिए अपने को समर्पित होकर के देशभक्ति की भावना जागृत करनी चाहिए आज हम सब लोगों ने यहाँ आकर के प्रिंसिपल साहब मुन्ना लाल जी अग्रवाल के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को माल्यार्पण किया हमने उनको शहीदों को और देश के भक्तों को महापुरुषों को हर बार नमन करते हैं और प्रतिम... हर बार ऐसा ही हमारा हर जगह का कार्यक्रम होता है रमेश लालवानी कार्यक्रम से जब लोगों ने जी में महाराणा प्रताप की जयंती पर आके उनका माल्यार्पण कराए सब लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पहले पालन करा और हर साल हम करते हैं और लोगों को से यही अपील है कि वो जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही नमन करें कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन लोग कहीं चौराहे पर जाएँ या माला इकट्ठा करें तो कार्यक्रम हो सब लोग अपने घरों से ही नमन करें और देशभक्ति की भावना जो मन में है उसको जागरूक रखें ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो हम कुछ ही नहीं कर सकते आपकी भावना और आपका जज्बा आप घर से भी लोगों को एक संदेश दे सकते हो व्हाट्सअप फेसबुक पर भी क्या हम लोग जागरूक देश है देशभक्ति हमारे अंदर है सागर मीणा सचिव हरियम को